क्लीन करके सोक कर दीजिए वाटर ऐड नहीं कीजिएगा और ऑनियन जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली एग रेडी करके रखिए चिकन को मैरिनेट कर दीजिए एक को पोज बना लीजिए अभी देखिए राइस जो भिकाए थे उसमें वाटर ऐड नहीं था बासमती राइस है फाइव हंड्रेड ग्राम इसके बॉयल कैसे करेंगे इंडक्शन में करेंगे तो इंडक्शन वेर में कुकर में हम क्या कर रहे हैं थोड़ा सा ऑलि ऑयल ऐड करके उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रहे हैं एंड ब्लैक पेपर पाउडर अगर बिरयानी बनाते तो इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर देते दे, गर्म मसाला एड देते बट हम फ्राइड राइस बना रही है तो वाटर को इतना देंगे जो हाफ इंच तक ये वाटर प्रेशर कुकर में रह गए क्योंकि हम वन सीट देंगे वन हुइल होगा तुरंत बंद कर देंगे अभी राइस का प्रॉब्लम सॉल्व अभी ऑनियन जिंजर गांडी को कैसे काटेंगे वो देखिए गर्लिक को क्रश करेंगे चिल्ली को स्लाइस करेंगे ऑनियन को स्लाइस करेंगे एंड जिंजर को स्लाइस करेंगे सब स्लाइस हो गया एक साइड में रखा हुआ है चिकन ऑलरेडी मैरिनेटेड मैरिनेशन में हम ब्लैक पेपर पाउडर रेड चिली पाउडर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर दही एंड चिकन एंड सॉल्ट ऐड करके हम मैरिनेट कर दिए थे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट व ऑनियन कुछ यूज नहीं कुछ भी यूज़ नहीं किया है अभी इसको माइक्रो ओवन में मैंने कॉम्बी बोड पे इसको कुक करेंगे एक्चुअली ग्रिल करेंगे इसके लिए मैरिनेटेड चिकन डालें उसमें जितना गार्लिक हम क्रैश कर करते उसको स्प्रेड कर दिया ऑनियन स्लाइस को स्प्रेड कर रही हूँ एंड ग्रीन चिल्ली को स्प्रेड करके इसको रोस्ट करेंगे उसमें हल्का सा कलर के लिए हम कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे लग रहा है ना डेलीसियस लुकिंग ब्यूटिफुल अभी अच्छे से इसको कुक कर लेंगे क्योंकि ये ग्रिल भी होगा बेक भी है फाइव मिनट्स सिक्स मिनट्स हम इसके लिए यूज किए थे अभी पैन में टू टेबल स्पून ऑयल यूज़ किया है अभी एक को कैसे फ्लापी बनाना है ऑयल को अच्छा से गर्म होने दीजिए गैस को एकदम फुल फॉर्म में रखिए उसके बाद एक डाल दीजिए और तुरंत उसको सेक सेक करते रहिए टच नहीं कीजिएगा जस्ट ऑयल का ऑयल में उसको डालना है तो हो गया मेरा टू एक का एक पुच बन गया है फ्लापी स्पॉन्जी एक अभी देखिए इसको हम टेकआउट करके उसमें जो ऑयल हम डाले थे उस ऑयल में हम चिकन फ्राइड राइस बनाएंगे तो कितना कम ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम पहले स्लाइस जिंजर को हम फ्राई कर लेंगे अगर जिंजर का फ्लेवर आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं फिर अब ऑनियन का फ्राई कर रहे हैं ऑनियन एंड ग्रीन चिल्ली टोटली फ्लेवरफुल एक चिकन फ्राइड राइस एंड कंप्लीटली हेल्दी देखिए कितना अच्छे से बेकड हो गया है ग्रिल भी हुआ है अभी ऑनियन का अंदर इसको डाल देंगे ओह आप से खाने का इच्छा हो रहा है एक भी एकदम अच्छा से पोछ हो गया इसको हाथ से हम स्क्रैम्बल कर लेंगे अभी देखिए चिकन को सेंटर में डाल दिया है हल्का हल्का इसको स्टार्ट करते रहेंगे और हल्का हल्का फ्राई करते रहेंगे तो आप देख रहे हैं ना ऑयल कुछ भी ऐड नहीं कर रहे जो मसाला देना था अभी डालेंगे गरम मसाला व चिकन मसाला और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर इसके साथ हल्का सा हाफ टेबल स्पून हाफ़ टेबल, टेबल स्पून सोया सॉस एंड हाफ़ टेबल स्पून टमाटो सॉस और उसमें वन टेबल स्पून वाटर ऐड करके उसको डाल दीजिए कि इसमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आना चाहिए हल्का हल्का फ्लेवर आएगा और चिकन और एग का मेन फ्लेवर आएगा अभी परफेक्ट राइस बन गया है एक सीट दिया है एक हुई सेल देना है ज़्यादा नहीं देना है ये बासमती राइस जो है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है एंड एक सीटी से बहुत अच्छा बिरयानी या फ्राइड राइस के लिए राइस बन जाता है देखिए एकदम राइस टूटेगा नहीं कुछ नहीं होगा अच्छा से मेरा फ्राइड राइस बन गया है अभी एक स्क्रैम्बल इसमें डालेंगे और सॉल्ट का बाद तो कुछ नहीं बोलना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसके लिए आपको थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा एक स्क्रैम्बल फिफ्टी परसेंट डाल दीजिए फिफ्टी परसेंट प्रेजेंटेशन के लिए रख दीजिए आप चाहे तो ऑनियन स्लाइस यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए अभी रेडी टू सर्व कितना अच्छा से मेरा चिकन फ्राइड राइस फाइव मिनट्स में बन गया है एकदम टफ नहीं है मोस्ट इजी रेसिपी हंड्रेड से ऊपर डिलीशियस हंड्रेड से ऊपर कोई हमको बोला इतना अच्छा फ्राइड राइस कभी नहीं बना तो हे आम कोको कोला के साथ सर्व किए थे आप कोई भी ठंडा थम्स अप लेमन और सोडा किसी के साथ भी आप मोहितो किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं अगर मेरा इनोवेटिव हेल्दी एरस्टिकेट चिकन फ्राइड राइस रेसिपी अच्छा लगा तो जरूर इसको ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल विद बेल बटन हार्टली रिक्वेस्ट है बहुत सारा सब्सक्राइब करते रहिए लाइक शेयर बहुत अच्छा बाय बाय फ्रेंड्स यू अगेन बाय बाय